नमस्कार मित्रों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। आज आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 5 में सर्वप्रथम गीति तत्वों के संदर्भ में हम अपने तम से न डरे गीत की दूसरी विशेषताओं की चर्चा करूंगा। सच तो यह है कि आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी के गीत निराला के गीतों के विस्तार में ही अपनी सार्थकता नहीं ढूंढते, नहीं पाते, अपितु अपने सभी पूर्ववर्ती कवियों के काव्यगत गुणों का ग्रहण और दोषों का परिहार कर उन्होंने जो अपनी अभिनव सृष्टि की है उसकी गहराई अलग से लक्ष्य की जा सकती है। जब भी वह गहराई भाषा के अलंकृत कोहरे से ढकी हुई नहीं है, प्रत्युत प्रभावी भावों की प्राणजलता के कारण पारदर्शिता का प्रतिमान गढ़ती दिखाई देती है। प्रायः 2000 से भी अधिक गीतों में फैला आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का भाव संसार जीवन के प्रायः सभी पक्षों को, प्रकृति के सभी गुणों को और सौंदर्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी अणुपरमाणुओं तक को अपने में समेटे हुए हैं। सत सत मुक्तकों के अतिरिक्त राधा महाकाव्य और गीत नाट्यों जैसे पाषाणी, तमसा, इरावती में इन गीतों की विविध प्रकृति के दर्शन होते हैं। एक तो ये सारे गीत शास्त्रीय संगीत के स्वर ताल में निबद्ध होने के कारण अपना सांगीतिक प्रभाव अलग से प्रकाशित करते हैं, किंतु अति निकट से देखने पर, निहारने पर यह पता चलता है कि शास्त्री जी के इन सारे गीतों का स्वतंत्र या काव्य नाटकों में प्रयोग अकारण नहीं है। इनका उपयोग केवल नाटकीय अलंकरण के लिए नहीं किया, बल्कि ये गीत बताते हैं कि जो भाव इनमें समोए पिरोए गए हैं वे और दूसरे प्रकार से प्रकट किए ही नहीं जा सकते थे। अनिवार्यता इन गीतों की प्रकृति है, अलंकरण मात्र नहीं, जीवन की जटिलता को अभिव्यक्त करने के कितने ही माध्यम हैं, किंतु ललित कला विशेषकर कोमल भावों और सुकुमार कल्पनाओं को ही रूपायित करना चाहती है। तो मित्रों, अब मैं अपने तम से न डरे, हम अपने तम से न डरे, तेरी द्युति तौल रहे कि दूसरी विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। मध्ययुग के भक्तिपरक गीतों में जो दैन्य, जो दीनता, जो गिड़गिड़ाहट, जो शरणागत होने की व्याकुलता भक्त कवियों ने चित्रित की है, प्रस्तुत गीत में उसकी कहीं आवृत्ति नहीं हुई है। यहाँ प्यार का अधिकार रेखांकित है, दैन्य नहीं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि भक्ति युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रायः दैन्य और
आत्मसमर्पण को ही चित्रित किया है। शास्त्री जी के इन गीतों में वह पारंपरिक दैन्य भाव कहीं नहीं दिखता। एक आहत दर्प, सात्विक स्वाभिमान और संकल्पित अहंकार सर्वत्र लक्षित किया जा सकता है। पूरे भक्ति युग में ऐसा एक ही तेवर सूरदास जी के भजन आज जो हरहीं न शस्त्र गहाऊं पद में देखा जा सकता है। कभी को इसकी स्पर्धा है कि प्रकाशमयी की संतान को अंधेरे का डर क्यों हो। यह सोचने योग्य है तो यह कि जिसे प्रकाशमयी और ज्योतिर्मयी जाना जाता है उसे अंधेरे की गिरफ्त में आने का खतरा तो नहीं, अंधेरा कहीं उस पर हावी तो न हो जाएगा। इस गीत की दूसरी विशेषता और चमत्कार पैदा करने वाली है, भक्तगण हमेशा व्यक्ति मैं को केंद्रित कर अपना दुख दर्द बताते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, अथवा राम सो बरो है कौन मोसो कौन छोटो, किंतु प्रस्तुत गीत में सूर तुलसी की भक्ति पूरित शैली के विपरीत कोई और ही रंग है। यहाँ कवि ने मैं न कहकर हम कहा है, उसे अकेले अकेले की नहीं पड़ी है, वह सब के साथ अपने को देखता है कि माँ यदि ज्ञान का आलोक फैलाए तो सब में फैलाए। चारों ओर घोर अंधेरा हो, कोहरा छाया हो, तो कोई अकेला अपना उद्धार क्यों करे, क्या करे। घटाटोप अंधकार में एक सुई की नोक भर चमक किससे समर्थन पाएगी, उसे हाथ बढ़ाकर कौन अपनाएगा। अंधेरा प्रकाश को घेर सकता है, अंधेरा प्रकाश को घेर सकता है, प्रकाश से अपने अस्तित्व की भीख नहीं मांगता। आगे की पंक्तियां हैं, मस्तक व्यस्त दिवाकर से मन मस्त निशाकर से, हलचल सी मच गई उलझते गए अचर चर से, सागर होगा अपने घर का हम नव घोल ढे। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में मैं इन पंक्तियों की विशेष रूप से चर्चा करूंगा।